एक होता है दारुल इस्लाम, दूसरा होता है दारुल हर्ब, तीसरा होता है दारुल कुफर। दारुल इस्लाम में इस्लामी सल्तनत होती है, दारुल कुफर में कुफरिया सल्तनत होती है, और दारुल हर्ब में मुसलमान अक्सरियत में होते हैं लेकिन वहाँ पे इस्लामी हुकूमत नहीं होती। ला गेट में ये क्वेश्चन आई हुई थी कि भाई जिम्मी किसे कहते हैं, DAMMI। देखो भाई, जिम्मी उस नन मुस्लिम को कहते हैं जो इस्लामी रियासत में रहता है और रियासत ने उसकी जानो माल आबरू की हिफाजत की अहद ली है। इस्तेहसान जो है ये कयास की एक कसम है जिसको मुस्लिम स्कूल ऑफ थॉट्स में हनफी ने ज़्यादातर क्या किया है, रिकॉग्नाइज। क्वेश्चन पूछा गया था कि डेड बेड इलनेस में अगर डाइवोर्स प्रोनाउंस किया जाए क्या वो वैलिड है? जी हाँ, बिल्कुल वैलिड तलाक है। तलाक किसी भी सूरत हो सकती है, किसी भी सरकमस्टांसिस में अगर आप प्रोनाउंस करें तलाक हो सकती है। फॉर योर वेरी काइंड इंफॉर्मेशन, डेड बेड इलनेस में तलाक तो हो सकती है लेकिन तलाक के फौरन बाद आप वाइफ को हस्बैंड के प्रॉपर्टी से महरूम नहीं कर सकते जब तक इद्दत ना गुजरे। इद्दत गुजरने से ही वो महरूम होगी। ये इसलिए है कि भाई